आज विश्व खाद्य दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं ने जहां विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन तैयार किए, वहीं महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन सिरमौर के उपायुक्त राजकुमार गौतम ने किया। गौतम ने इस मौके पर लोगों से रसायन मुक्त खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करने की अपील की, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इतनी प्रदर्शनी लोगों ने लगाई, इसमें नेचुरल फार्मिंग का जो है उसको बढ़ावा मिला है। लोगों ने जो है वो हॉर्टिकल्चर में, जैसे पपीता है हमारा और अपना हल्दी है, राजमा है, साथ में जो है वो जो मसाले वगैरह हैं जैसे धनिया है, इस तरीके के लोगों ने उत्पाद यहाँ पे लाए हैं और सारे वो नेचुरल फार्मिंग के हैं। तो हम सभी को ये जानकर कि आज का जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ है जिसको हम खा रहे हैं, कल के बेहतर के लिए है, इसी दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। सभी लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित हो। जो भी हम चीज़ खाएं, कम से कम वो केमिकल फ्री हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जितना भी हमने खाया है, जो भी हमारे हरित क्रांति के जो साइड इफ़ेक्ट थे उसको कम करने के लिए, उसको ज़ीरो करने का समय आ गया है। तो आओ इस अभियान में हम सारे जुड़ें और आप लोगों के माध्यम से ये सोच, ये जो हमारा अवेयरनेस कैंप है, ये गांव-गांव तक पहुँचे ताकि हर एक जो किसान है वो भी इसे लाभान्वित हो सके और वो भी इस नेचुरल फार्मिंग को अपनाए। कार्यक्रम में स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन रही हैं। सोसाइटी बनी हुई है, उसमें हम काम करते हैं और हमारे को यहाँ एग्जीबिशन में आने का मौका भी मिला है और यहाँ हम आए हुए, हमारा यहाँ खाना भी है जो हमारा सिरमौरी खाना है, वो बना रहे हैं और वो देंगे। डीसी सिरमौर थे, उन्होंने ये हमारी पंचायत को दिया और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने ये बना के दिया है हमारे लिए और ग्रुपों के माध्यम से हम उसमें काम करते हैं। तो हमारा जो हम स्वावलंबी हो गई हैं, हमारा स्वरोजगार लग गया है, महिलाएं अपने आप कमाने लग गई हैं। ट्रेडिशनल खाना बना है जिसमें सिड्डू लुशके पटांडे और दाल खीर है स्पेशल। बहुत अच्छा है ये हमारे लिए, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। सारी औरतें इसमें, लड़कियां हैं जो आगे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम है ये। हम लोग यहाँ पे अपना लोकल सामान लेके आए हैं, जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है उसमें हम लोगों ने अपनी स्वेटर्स को जो खुद बनाई हैं और ये लोकल सामान जैसे धनिया हो गया आपका, मैं हल्दी होगी और जी आटा हो गया, देसी घी हो गया और रोटी बॉक्स बनाए हैं, वो चीड़ के पत्तों से बनाए हैं हम लोगों ने। जो ये होती है फ़ायदेमंद होती है और इसमें हमारा अच्छा फायदा होता है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।